वेलकम टू रश्मि किचन। आज हम बनाएंगे पालक का पराठा। और पालक का पराठा खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इसे बनाना भी बहुत इजी होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? अजवाइन, नमक टेस्ट अनुसार, एक चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, फ्लेवर के लिए हींग, साथ ही ये पिसा हुआ पालक। और इन सभी चीजों को अब हम मिक्स करेंगे आटे में। पहले तो आटे के लिए इसी के साथ गूंथ लेना है और जितनी आवश्यकता लगे उतना पानी हम लास्ट में ऐड करेंगे। पानी पहले ऐड नहीं करना है क्योंकि पालक क्या होता है, उसमें खुद में ही एक पानी होता है, तो इसलिए हमें पहले पानी ऐड बिल्कुल नहीं करना है। हम सिर्फ पालक के साथ ही आटा गूंथेंगे। जब हमें लगेगा पानी कम या अच्छे से आटा गूंथ नहीं पा रहा है तब हम पानी के लिए ऐड करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं अच्छे से पालक के साथ हमने आटा गूंथ लिया। अब हमें पानी की आवश्यकता है तो हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। आटा हम एकदम सॉफ्ट लगाएंगे। चाहे तो इस बारीक प्याज को काटकर ऐड कर सकते हैं, पर मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ, आप चाहे तो डाल सकते हैं। आप देखेंगे आटा गूंथकर बिल्कुल तैयार हो चुका है और कितना हमने सॉफ्ट आटा लगाया है। और आटा सॉफ्ट लगाएंगे तो पराठा भी एकदम से सॉफ्ट होगा। अगर आप आटा टाइट लगाएंगे तो हो सकता है पराठे एकदम से सॉफ्ट ना बने। तो आटे के लिए हम रेस्ट पर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे कि और भी सॉफ्ट आटा हो जाए। उसके बाद हम पराठा बनाएंगे। हमने इधर तवा रख दिया है, गैस ऑन करके गर्म हो रहा है तवा। तब तक हम आटे को अच्छा बना लेते हैं, एक बार और सॉफ्ट सा गूंथ लेते हैं, उसके बाद हम पराठा बनाएंगे। आटे को हमने एकदम चिकना सॉफ्ट बना लिया और इस तरीके से हमने गोल पेड़ा जैसा बनाया है। और आप जितना बड़ा पराठा बनाना चाहे उतना आटा ले सकते हैं। मैंने इतना आटा लिया है और इसके लिए सूखे आटे के साथ बेलकर रेडी करेंगे। हम आटे पराठे के लिए बीच से नहीं बोलेंगे, साइडों से बेलेंगे और इस तरीके से हमारा पराठा बनकर रेडी हो जाएगा। तो पराठा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके लिए हम सेक लेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है और हमने इस पर पराठा डाला है। इसके लिए एक साइड से पलट देंगे। हमने पराठा पलट दिया। इस पर घी बटर जो भी आप लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। मैं इसके लिए घी में बनाऊंगी। दूसरी साइड से भी हम घी के लिए लगा देंगे। और आप देखेंगे पराठा फूलकर रेडी हो गया। कितने अच्छे से ये पराठा फूल गया है। तो इस तरीके से आप पराठा बनाएंगे तो आपके पराठे फूलेंगे भी। ये एक तरफ से सेक चुका है, दूसरी तरफ से हम इसको पलटेंगे। और आप देखेंगे कितने अच्छे से हमारा पराठा सेक कर रेडी हो गया है। नेक्स्ट पराठा बनाएंगे। एक तरफ से पराठा हमारा सिक चुका है, इसको पलटेंगे और घी बटर फिर से लगाएंगे। और दूसरी साइड से भी हम घी लगा देंगे। अब देखेंगे ये भी पराठा हमारा बनकर रेडी हो चुका है और इसे भी हम निकालेंगे। इसी तरीके से जितने भी पराठे हैं हम सभी को बना लेंगे। और आप देखेंगे ये पराठा भी हमारा फूलकर रेडी हो गया है। हमने सभी पराठे बना लिए और आप देख रहे हैं कितने अच्छे हमारे पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इन पराठों के लिए किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। चटनी, हरी चटनी, मीठी चटनी,
या अचार जिसके भी साथ आप खाना चाहें उसके साथ आप इन पराठों के लिए सर्व कर सकते हैं। ये पराठा बनाना बहुत ही इजी है, आप भी इसी तरीके से बना सकते। यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ज़रूर करें।